बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिले के चंद्रमडीही थाना क्षेत्र के खोरी जंगल से पुलिस ने 200 किलो विस्फोटक जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जमीन के अंदर गार कर रखी गई विस्फोटक को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि यह विस्फोटक टीन के 4 ड्रम में छिपा कर रखे गए थे। दरअसल पंचायत चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, जिसको लेकर नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के कोशिश में थे, फिराक में थे, और इसकी सूचना पुलिस को मिल गई वक्त रहते, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की पुलिस ने और पुलिस को यह सफलता हाथ लगी और बड़ी घटना होने से टल गई। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है, यानी कि जिले को दहलाने का इंतजाम नक्सलियों के द्वारा किया गया था और इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है पुलिस ने। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, यानी कि नक्सलियों के द्वारा यह बड़ी साजिश, पुलिस के द्वारा इस साजिश का खुलासा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 4 ड्रम में भरकर छिपाए गए थे विस्फोटक। पंचायत चुनाव होने वाले हैं बिहार में और इसी को लेकर नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को रचने की कोशिश कर रहे थे। नक्सली इसी फिराक में थे और इसी को मद्देनजर 4 ड्रमों में छिपाए गए थे 200 क्विंटल विस्फोट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हर्ष है फुलाइन पर। हर्ष, कैसे मिली पुलिस को ये गुप्त सूचना, कैसे की कार्रवाई? जी देखिए, चंद्रमंडी थाना जो जमुई जिले का चंद्रमंडी थाना है उसके अंतर्गत खोड़ा जंगल पड़ता है, वहां पर नक्सलियों के मंसूबों को एसएसबी के जवानों ने जो है वो नाकामयाब कर दिया और लगभग 200 किलोग्राम की मात्रा में भारी विस्फोटक बरामद किया गया है। हालांकि संदेह है कि भाकपा माओवादियों के द्वारा वो विस्फोटक जो है वो 4 कंटेनर में छुपा कर रखा गया था, 4 ड्रम में, और संदेह के आधार पर एसएसबी जवान और पुलिस की छापेमारी हुई। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने जो बरामद किया है लेकिन हर्ष, विस्फोटक कहाँ छुपा कर रखे गए हैं इसकी जानकारी एसएसबी के जवानों को कैसे मिली? जी देखिए, पूर्व में ही माओवादी जो थे भाकपा माओवादी उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें 24 और 25 मार्च को जो है वो बिहार और झारखंड बंदी का ऐलान किया गया था, जिसमें नक्सलियों का साफ साफ पत्र में लिखा गया था कि उनके पार्टी के जो लीडर थे उनको बेवजह का पुलिस के द्वारा फंसा कर उन्हें एक केस में फंसा कर उन्हें गोली मार दी गई है, जिसके विरोध में ये उन्होंने काम किया है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हर्ष। तो आपको बता दें कि जमुई की घटना है जहां एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसबी के जवानों ने 200 क्विंटल विस्फोटक जब्त किया गया है। ये भाकपा माओवादियों के द्वारा छुपा कर रखे गए थे और पंचायत चुनाव से पूर्व किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे एसएसबी के जवानों ने वक्त रहते टाल दिया।